हाय एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम पेने। तो गाइज मैं हूँ पेने में और यहाँ पे मैं होटल में रुका हुआ था। अभी मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से मेचुको के लिए। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ मेचुको के लिए। पेने मेचुको के रास्ते में ही आता है और यहाँ पे मैं रात में होटल में रुका था, यहीं पे खाना वाना खाया था और आराम भी किया था। तो आगे का आप नज़ारा देख सकते हो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। अभी यहाँ पे बारिश हो रही थी तो 1 घंटे करीब हमने वेट किया। अब यहाँ से हम निकलने वाले हैं मेचुको के लिए। करीब 4 घंटे का रास्ता यहाँ से मेचुको के लिए और जा रहे हैं यार रॉयल एनफील्ड हिमालयन से। हमें लिफ्ट मिली है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइज। ये होटल है यहाँ पे, आप देखो ऐसे कुछ होटल्स हैं और यहाँ पे हम लोग रात में बैठ के टीवी वगैरह देख रहे थे। अभी अंदर मैगी वगैरह प्रिपेयर हो रहा है हमारे लिए, फिर हम लोग खाएंगे, फिर निकलेंगे मेचुको की ओर। इधर है किचन जिधर ये भाई खाना वाना बना रहे हैं। अंडे उगल रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे हमारे लिए। छोटा सा किचन है और रॉयल नोमैड। टापी भाई हमारे लिए भी मैगी बनाएंगे। कल हमने वाटरफॉल के पास मैगी खाया था अपने खुद से बना के। गैस यहीं पे देखो कितनी सारी बिल्ली है। हेलो, हमारा बैग पैक होना बाकी है और सब लोगों ने बैग पैक कर लिया। तो इस गाड़ी पे हमारा सामान पैक होगा और इससे हम जाएंगे जिससे हम कल जा रहे थे मेचुको की ओर। तो गाइस हमारी मैगी तैयार हो चुकी है यहाँ पे। तो दोस्तों हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और हम लोग अभी तैयार है मेचुको जाने के लिए। तो मैंने पोंचो पहन लिया है और आप देख सकते हैं मौसम किस कदर खूबसूरत हुए जा रहा है। और सर वगैरह तैयार है, सब तैयार है, सामान वगैरह पैक कर लिया है। अभी हम लोग निकल रहे हैं मेचुको की तरफ। यहाँ से करीब 110-120 किलोमीटर के आसपास होगी दूरी और आगे ही टाटो है। फिर उसके बाद अभी सुबह के बजे 7:30, देखते कब तक हम लोग पहुँचते हैं। तो मजा आने वाला है गाइस, कुछ ऐसी चल रही है हमारे भी। अरुणाचल का आज 4th दिन है मैं बता दूँ। तो ये है अरुणाचल का हमारा 4th दिन और आज देखते हैं कैसा बारिश वारिश रहता है। ऊपर तो थोड़ी ठंड भी है तो मजा आने वाला है यार। कुछ ऐसी होती है हमारी मेचुको के लिए राइड और ये काफ़ी ज़्यादा शानदार होती है क्योंकि हम लोग बात करते हुए जा रहे होते हैं। और करीब 20 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं सिकोरिरो वाटरफॉल, जो कि इस रास्ते में सबसे बड़ा वाटरफॉल है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी है और चारों तरफ नेचर से भरा हुआ है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। सामने ये प्यारा सा और बहुत बड़ा सा सिकोरिरो वाटरफॉल और यहाँ पे देखो नाम लिखा हुआ है सिकोरिरो वाटरफॉल और काफी सुंदर है यार, देखो कितना ऊंचा है। गाइस एक दिक्कत हो गई है, अभी हम सिकोरिरो वाटरफॉल में तो है लेकिन यहाँ पे एक पंगा हो गया है। क्या हुआ है कि सर है वो उन्होंने अपना DSLR जो है हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया था वहीं पे छोड़ दिया है। तो फिर से 22 किलोमीटर वापस जाना हुआ यार होटल में और वापस करना पड़ेगा DSLR। तो मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि ये अकेले थोड़ा सा वो ब्रेक वगैरह नहीं लगता ना, बारिश वारिश हो गई है तो चलता है गाड़ी। तो इस कारण से हमारे पीछे है ये वाटरफॉल जैसा आप देख पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबा है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तो फिर से जा रहे हैं यार होटल में, अभी 1-2 घंटा और लग जाएगा क्योंकि उधर से जाने आने में काफ़ी ज़्यादा पहाड़ का रास्ता खराब है ना, तो इसीलिए। तो चल रहे गाइस ये है पोंचो, मैं पहनता हूँ अभी और निकलता हूँ यार क्योंकि बारिश का कोई संभावना यहाँ पे है नहीं, बारिश कभी भी आ सकती है। तो गाइस हमारा कैमरा मिल चुका है और वापस हम लोग जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। देखते हैं नयन सर वहाँ रुके हुए हैं कि नहीं है। काफ़ी ज़्यादा तेज आए हैं, अराउंड 40-50 की स्पीड में है यार और रास्ता तो आप जानते ही उधर का बहुत ख़राब है और नेरो रास्ता भी है। तो अभी ये DSLR मिल चुका है और हम लोग जा रहे हैं वापस। तो फिर से हमें 20 किलोमीटर चलाना पड़ेगा गाड़ी उधर जाके, फिर से वहाँ से अराउंड 70 किलोमीटर मिल चुका। तो यार कुछ ऐसा चल रहा है हमारा और बाल तो देखो कैसा खड़ा खड़ा हो गया हमारा। तो चलते हैं यार, अभी सर आ रहे हैं, अभी बब्लू सर आ रहे हैं पीछे से। तो दोबारा हम लोग आ चुके हैं यार सिकोरिरो वाटरफॉल के पास और हमारे पास इस बार कैमरा भी है तो हम फोटो वगैरह लेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गए 1 से 1.5 घंटे के आसपास क्योंकि हमें वापस जाना पड़ा था। देखो कितना प्यारा वाटरफॉल है और काफ़ी फेमस भी है यहाँ। अगर आप मेचुको आते हैं तो ये रोड कन्फर्म आप देखेंगे कि आना वर्थ ही था यहाँ पे।
और पीछे के जो पहाड़ियों के नजारे हैं वो भी काफी अलग खूबसूरत हैं। अभी चलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं बबलू सर के साथ और जो है मजा आ रहा है यार। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, फोटो वोटो खिंचवा लिया है और हमारे दोनों तैयार है। हिमालयन है ये और काफी ज्यादा अच्छा यार, और आप सामने वाटरफॉल देख ही रहे हो कितना ज्यादा खूबसूरत है। ये टाटो जो है वो 16 किलोमीटर दूर है, वहां से भी 50-60 किलोमीटर दूर होगा ही, 50 किलोमीटर दूर आई थिंक मैं चुका। और यहाँ पे रोड एक्सपेंशन का काम बहुत तेजी से जारी है यार, तो चलते हैं आगे अभी। और अभी गेट भी क्लोजर होने वाला है 2-3 घंटे के लिए। यहाँ पे भी हमें तेल लेना है क्योंकि गाड़ी रिजर्व में चली गई है, और यहाँ से नज़ारे भी काफी खूबसूरत हैं। कुछ देर रुकेंगे यहाँ पे, तेल वगैरह लेंगे, चाय वगैरह में भी पियेंगे, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे मेचुआ की तरफ। ये सब बच्चे कुछ कुछ जा रहे हैं। हाँ चढ़ना ही पड़ेगा। गाइस बहुत ज्यादा एडवेंचरस राइड हो रही है यार, और ये देखो सामने क्या आ गया। ऐसे ऐसे पीछे रास्ते इतने खतरनाक हैं क्या बताऊं मैं। और एक बार हम लोग गिर भी चुके हैं तो चोट वगैरह नहीं आई थी, इतना ज्यादा खराब रास्ता है कि क्या बताऊं मैं। और अभी बारिश वगैरह होती रहती है तो और भी ज्यादा फिर बाल बाल का हालत हो गई सबको। अभी अगर आप देखो कैसा रास्ता, ये तो कुछ भी नहीं है, पीछे तो इतना ज्यादा कीचड़ रहता है क्या चाहिए तो मैं। ये हमारी लाइफ की सबसे ज्यादा ग्रेजियस हिचहाइकिंग है हमारी, और बबलू सर के साथ रोड से इतने ज्यादा खराब हैं, अनएक्सपेक्टेड, मतलब मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी हमारा होने वाला है सफर। और हमारे साथ है सही भाई हिमालयन और सही राइडर, जिनकी मदद से मैं जा पा रहा हूँ मेचुका, और रोड इतने ज्यादा खराब है कि अगर आप मैं बाइक लेकर आता तो मैं नहीं ड्राइव कर पाता। बबलू सर ड्राइव कर रहे हैं, ये काफी बड़ी बात होती है। अभी बज गए अराउंड 1 बजने वाला है और अभी तक भी हम लोग नहीं पहुंचे हुए, 10 किलोमीटर के आसपास भी रास्ता जो है बचा हुआ है पहुंचने के लिए। और रास्ते आप देखो कितने ज्यादा खराब है, ये तो कुछ भी नहीं है, पीछे तो इतने ज्यादा कीचड़ वगैरह थे कि क्या बताऊं, लैंडस्लाइड और ये बारिश की वजह से सारी मिट्टी जो ऊपर की पहाड़ की है वो नीचे ही आ गई हुई है, तो इस कारण से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अबाउट टू रीच मेचुका, और यहाँ से करीब 5 किलोमीटर की दूरी होगी सर, 5 किलोमीटर की दूरी होगी। और यहाँ पे आप देखो कितना ज्यादा रोड का कंस्ट्रक्शन जो काम चालू है बहुत तेजी से, और एक साल लगेगा मे भी एक्सपेंड करने का, बहुत लंबा रास्ता है, करीब 200 किलोमीटर का भी, 200 किलोमीटर ज्यादा का रास्ता है। और यहाँ एक नदी देखो यार, सियोम रिवर है ना, देखना पड़ेगा मैप में। आगे आप व्यू देखो गाइस क्या खूबसूरत है, और यहाँ पे जो पाइन ट्री है वो इस खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देती है। ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करने हम लोग आते हैं, और यहाँ पे आप देखो सड़कें किस तरह से, बट वी हैव टू रीच। दोस्तों करीब 6-7 घंटे की खतरनाक राइड के बाद हम लोग फाइनली पहुंचने वाले हैं
मेचुका, और ये है मेचुका का एंट्रेंस गेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम टू मेचुका लिखा हुआ है, और अभी हम लोग मेचुका टाउन में एंटर कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है गाइज, क्योंकि पीछे रोड इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि आपने अभी देखा ही होगा। और अभी हम लोग जाएंगे अंदर, और सर SBI के पास खड़े होंगे, नयन सर, उन्होंने बोला था कि SBI के पास मैं खड़ा रहूँगा, उसके बाद हम लोग मिलेंगे। और अभी हम लोगों ने लंच भी नहीं किया है, और ब्रेकफास्ट सुबह मैगी वगैरह किया था, तो अभी हम लोग साथ में लंच भी करेंगे। और वो पता नहीं कहाँ पे रुकने वाले हैं, तो अभी उनको पहले सबसे पहला टास्क है उनको ढूंढना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेटवर्क वगैरह नहीं रहता है, तो BSNL के ही सिम से काम करना। तो गाइस ये रहा SBI, और यहीं पे होंगे शायद नयन सर। SBI में चुका गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आई थिंक ये है टाउन का बीच वाला एरिया ना। तो गाइस फाइनली वी रीच टू में चुका, और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है यार। हमारे सामने SBI बैंक, अभी हमें ढूंढना है नयन सर को, वो उन्होंने तो बताया था SBI के पास ही रहेंगे, लेकिन वो SBI के पास है नहीं, तो अभी देखते हैं BSNL नेटवर्क आता है तो उनको कॉल करते हैं, एंड देन उनसे बैग वगैरह लेते हैं। यार जूते भी देखो पीक कैसे हो गए हैं, मैं डबल दोबारा में ना ये प्लास्टिक चेंज किया था, तब फिर भी इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, एक बार मैं पीछे गिरी भी गया ना इस कारण से। तो अभी ढूंढते हैं नयन सर को, उसके बाद फिर देखते हैं क्या आएगा, प्लान रहता है। भूख भी काफ़ी तेज लग रही है क्योंकि डेढ़ बज चुके हैं, और सुबह हम लोग बस मैगी खा के आए हुए थे, और मैगी वो भी थोड़ा ही था यार, पैसे तो ज़्यादा लिए थे, लेकिन मैगी वो 10 वाला में भी आधा बनाया था। तो अभी ढूंढते हैं यार। यार मैं चुका आते ही हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, और हमें आज ही घूमना है, कल सुबह निकलना है यहाँ से। तो यहाँ पे हमने बाइक हमारी लगाई हुई है, और अभी यार हम लोग लंच कर रहे हैं अभी आकर के यहाँ पे, वेज लंच, और नयन सर तो मिल नहीं रहे हैं, और भूख भी काफ़ी तेज लग रही है। तो यहाँ पे आके हम लोग अभी लंच करेंगे, उसके बाद नयन सर का वेट कर रहे हैं। उनको मैंने मैसेज भेज दिया है कि मैं SBI ब्रांच के पास ही हूँ, तो उसके बाद अभी वेट करते हैं तब तक उनका मैसेज का, और उनका फ़ोन अभी स्विच ऑफ आ रहा है, तो देखते हैं यार उनको लंच कर लेते हैं, तो उनका वेट करते हैं, और नहीं तो ढूंढना पड़ेगा यार कहाँ है वो अभी मैं चुका हूँ, क्योंकि हमारा सामान पूरा होने के पास है। अगर मेरे पास मेरा सामान रहता तो मैं चिल रहता, लेकिन मेरा सामान तो कपड़े वगैरह भी बदलने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हुए यार यहाँ पे आके। तो दोस्तों अभी बज गए शाम के 5, और मैं अभी मेचुका की गलियों में टहल रहा हूँ। अभी नयन सर आ रहे हैं अंदर से, कुछ सामान वगैरह पैक कर रहे हैं। ये है कुछ मेचुका की गली, ऐसा कुछ दिखता है यार, आगे जाके अच्छी रोड आ जाती है, यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब रोड है। और घर वगैरह देखो आप कितना ज़्यादा सजा के रखा गया है बाहर में ऐसा अंदर। और ये हमारा होमस्टे, ओवा होमस्टे मेचुका, यहाँ पे रहने के लिए 1500 रुपीज़ पर नाइट के लग रहे हैं, तो यहीं पे मैं रुका हुआ हूँ अभी। अभी हम आए हुए हैं ADC ऑफिस के सामने, यहाँ पे हम अभी इंटरनेट कनेक्ट करेंगे, BSNL का वाई फाई आता है, और उसके बाद थोड़ा सा जो है घर वगैरह पे बात भी करना है। तो ये है सामने ADC ऑफिस, इसी के सामने इंटरनेट चलता है, थोड़ा सा फ्री वाई फाई चलता है यार, ज़्यादा स्पीड तो नहीं रहती, बस मैसेज वगैरह चला जाता है। और अभी यहाँ पे हम लोग चाय पियेंगे, उसके बाद जाएंगे मेचुका घूमने के लिए। शाम भी काफ़ी ज़्यादा हुई क्योंकि 5:30 बज चुके हैं, तो अभी चाय पीते हैं उसके बाद चलते हैं यार।